Hey bacha log, welcome to my channel Effortless Physics. So again we are continuing with Elasticity Part 3. मैं आपको request करूँगी ये video देखने से पहले बाकी के दो videos जरूर देख ले. ठीक है, चलो अभी continue करते हैं. Breaking force और breaking strength. जैसे stress का formula होता है force upon area, तो force का formula क्या होगा? Stress into area. तो breaking force will be breaking stress into area. तो अब देखो, स्ट्रेस तो कांस्टेंट होता है, तो ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे. हम तो लिखेंगे ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड ऑन एरिया एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ. ये याद रखेंगे आप. काफी बार है ना, ये लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक रॉड है, उसको हमने आधा काट दिया, तो अभी बताओ ये कितना लोड झेलेगी. तो आपको याद रखना है, जितना पहले वो बेयर कर रही थी अभी भी उतना ही बेयर कर सकती है. क्यों? बिकॉज वो लेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं है. हम उसको दो पार्ट में काट दें, हम उसको दस पार्ट में काट दें, अनटिल एंड अनलेस इट्स एरिया इज कॉन्स्टेंट. ओके, नेक्स्ट यंग मॉड्यूलस. ये तो पता ही हम लोग को. एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. किससे? एरिया से भी और लेंथ से भी. इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड लेंथ एंड इट ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल. यानी वो किस पे डिपेंड करेगा? कि हम किस रॉड की बात कर रहे हैं, किस मटेरियल की बात कर रहे हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखो बच्चों. Elasticity of rigid body is zero. Sorry, mistake ho gayi. Is infinity. Sorry. Elasticity of rigid body is infinite. Ek aur cheez shocking hai thoda sa, but sun lo. Glass is more elastic than rubber. Hi, miss, galat padha rahe ho. Galat. नहीं, सच बोल रही हूँ. ग्लास की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है रबर से. ये कैसे पता चला? कि अगर हम रबर और ग्लास दोनों पे सेम फोर्स लगाए तो किसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली बात है, रबर में इलोंगेशन होगा और ग्लास में तो हमको कुछ चेंज ही नहीं दिखेगा. तो इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है जिसमें इलोंगेशन कम होता है. इसी के नीचे इसलिए एक और पॉइंट लिख देती हूं. इफ सेम force is applied on both bodies, then the one in which deformation is less is more elastic. अभी तो यकीन आ गया, मैं राइट सिखा रही हूं. ओके, क्लियर? ठीक है, उसके बाद एक और लिख देती हूँ. वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर. ये सब बस कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए हम कवर कर रहे हैं. इलास्टिक देन एयर. उसके बाद एक और चीज हम डिसाइड कर सकते हैं. जिस बॉडी में हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है टू प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंशन, दैट इज मोर इलास्टिक. लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं. बॉडी विच रिक्वायर मोर फोर्स फॉर सेम इलोंगेशन इज मोर इलास्टिक. ओके, सो स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक देन रबर. ठीक है, चलो अभी हमने यंग मॉड्यूलस की काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं. अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? बल्क मॉड्यूलस विल बी वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये सब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, तो इन सब का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. बल्क मॉड्यूलस का हमारा सिंबल है के, विच इज इक्वल्स टू, आप लोगों को वॉल्यूम स्ट्रेस याद है? वॉल्यूम स्ट्रेस कितना होता है? इट इज डी पी. एंड वॉल्यूम स्ट्रेन
is minus dv by v, तो ये v ऊपर जाएगा, तो ये हो गया v dp by dv और ये minus, यहाँ पे minus sign सिर्फ ये signify कर रहा है कि इसका volume decrease हो रहा है, बस. लेकिन अगर हम MCQs करेंगे तो आपको जरूरी नहीं है माइनस लेना है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में भी ले सकते हैं, तो इट विल बी वी डी पी बाई डी वी. नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी. बच्चों इस पे क्वेश्चन आते हैं. हाँ, कंप्रेसिबिलिटी इज वन बाय के, मतलब बल्क मॉड्यूलस का उल्टा, तो क्या होगा डी वी बाई वी डी पी. बच्चों इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. क्या मेज इतना नहीं आएगा क्या? सॉरी सॉरी, सीख लो बेटा. एम की जगह एल टू, एन का क्या एम वन एल वन टी माइनस टू, तो क्या डायमेंशन आ गया? डायमेंशन इज एल, ये वन ऊपर जाएगा तो वन एम माइनस वन एंड टी टू, सो दिस इज द डायमेंशन. ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम, ये तो लिक्विड की बात कर रहे थे, अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस के पास दो बल्क मॉड्यूलस होता है. ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसलिए मैं पूरा करा रही हूं. फर्स्ट इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. कुछ टफ नहीं है यार, एकदम आप तुम लोग से तो इजीली हो जाएगा. सो ई थीटा इज पी, खाली पी याद रखो. आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बोला तो सिर्फ क्या आएगा? पी. पी इज व्हाट बच्चा? प्रेशर. उसके बाद नेक्स्ट अगर बोला एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ई किससे डिनोट करूं? चलो फाई ले लेती हूं, इज गामा पी. क्या मेस? ये गामा क्या है? ये गामा गामा क्या है? ये गामा गामा. सो गामा इज सीपी बाय सीवी. ठीक है, ऑब्वियसली ये सीपी बाय सीवी की जो वैल्यू है ये वन से ज्यादा होगी, तो हम बोल सकते हैं ई फाई इज ग्रेटर देन ई थीटा, मतलब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. ओके, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ये थर्ड मॉड्यूलस है अपना. सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल है ईटा. सो ईटा क्या होगा? इट इज शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन. किसी को याद है क्या फॉर्मूला शेयरिंग स्ट्रेस का? एफ बाय ए, और शेयरिंग स्ट्रेन का एक्स बाय एच. तो फॉर्मूला क्या हो गया? एफ एच बाय ए एक्स, या तो फिर एक्स बाय एच को अपन थीटा भी बोलते हैं, तो ये हो गया एफ बाय ए थीटा. ओके, और एक और चीज याद रखो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड और गैस इज जीरो. क्यों? बिकॉज मैंने पहले ही बोला था ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है, तो इसकी वजह से अगर लिक्विड या गैस के लिए पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन, वही मन कर रहा है मिस. क्या बच्चों, सच्ची भूलना सोचना भी मत. चलो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. मतलब अगर किसी वायर पे हमने फोर्स लगाया तो वो लंबा होगा, साथ में लंबा होने के साथ क्या क्या होते जाएगा? पतला भी होते जाएगा, isn't it? So lateral strain is nothing but the change in the diameter upon the original diameter. So Poisson's ratio का सिंबल sigma, that is minus delta D by D upon delta L by L. ठीक है, तो फिर डेल्टा एल इज नथिंग बट द स्मॉल एल, अपना कुछ अलग नहीं है, या इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा डी एल बाय डेल्टा एल डी. डेल्टा डी बाय डी इज द चेंज इन द डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. इसकी जगह आप चेंज इन द रेडियस भी लिख सकते हो, अपॉन ओरिजिनल रेडियस डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल, तो हो जाएगा डेल्टा आर एल बाय डेल्टा एल आर माइनस. ठीक है,
ये शीट तो भर गई. चलो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करती हूँ अबाउट पॉइजन्स रेशियो ऑल्सो.